कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर विलियम फैरो से होती है जो जाना माना सर्जन होता है। वो दो ऐसे ट्विंस बच्चों को सर्जरी से अलग करता है जिनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर्जरी सक्सेस होने से बाकी के डॉक्टर भी विलियम से खुश होते हैं। सर्जरी खत्म होने के बाद विलियम की वाइफ इनगिट उसे लेने आती है। इनगिट फेमस वकील होती है। दोनों अपने बेटे जय के बारे में बात करते हैं। इनगिट विलियम से कहती है कि जय उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताता। आगे कहती है कि वीकेंड में उसने उसके लिए एक पार्टी रखी है। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। ये हफ्ता दोनों के लिए काफ़ी स्ट्रेस भरा था। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जय घर आता है जिसका वेलकम उसके नाना करते हैं। इनगिट भी उसे देख बहुत खुश होती है। जय को देख शैली भी बाहर आ जाती है और फिर दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। इनगिट जय से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है पर वो हंसकर टाल देता है। तभी विलियम उठकर नीचे आता है तो सभी ताली बजा के उसका स्वागत करते हैं क्योंकि टीवी पर उसे स्टार सर्जन कहा जाता है। जय अपनी बहन शैली को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एना बार्टन है। शैली ये बात अपने पेरेंट्स इनगिट और विलियम को बता देती है। इनगिट ये सुन खुश हो जाती है। विलियम के मेडिकल अचीवमेंट पे इनगिट के पिता एडवर्ड उस पर बहुत गर्व करते हैं इसलिए उसे एक पार्टी में लेके जाते हैं जहाँ विलियम की नज़र एक औरत पर पड़ती है। दोनों आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। एना समझ जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड का बेटा है। उसके बावजूद एना उसमें इंटरेस्ट दिखाती है। विलियम एना के साथ की पहली मुलाकात इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला है। फिर विलियम और इनगिट घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में इनगिट कहती है कि जय की गर्लफ्रेंड भी इस पार्टी में आने वाली थी, क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? इस पर विलियम झूठ कहता है कि नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। अब रात में जय और एना मिलते हैं। जय एना से कहता है कि वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह एना जय के फ़ोन से विलियम का नंबर ले लेती है। एना विलियम को फ़ोन करती है। विलियम एना की आवाज़ सुन हैरान रह जाता है। उसका नंबर ए नाम से सेव करता है। दूसरे दिन जय एना को लेकर अपने घर आता है। दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पहली बार मिले हों। अब यहाँ उन दोनों के बीच कुछ शुरू हो गया था। विलियम एना के लिए ड्रिंक बनाता है। फिर सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। एना अपने बारे में बताती है कि फॉरेन ऑफिस में काम करती है। सबके खाने के बाद विलियम जब डिश वॉश कर रहा होता है तब एना अपनी प्लेट लेके वहाँ रखने जाती है। दोनों का हाथ एक दूसरे से टच करता है। जय के बुलाने पर एना किचन से बाहर आ जाती है। शाम होने पर एना अपने घर चली जाती है। सभी को एना पसंद आती है पर इनगिट को एना थोड़ी अजीब लगती है और वो उम्र में जैसे बड़ी भी होती है। अगले दिन विलियम जब अपने काम पर होता है तब एना उसे फ़ोन करती है। पहले तो हिचकिचाता है पर फिर फोन उठा लेता है। एना सिर्फ उसे टाइमिंग बताती है तो विलियम उसे उसका एड्रेस भेजने को कहता है। विलियम जल्दी से अपनी सर्जरी खत्म करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने बेटे और पत्नी की फ़ोटो देख खुद को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और अपनी कलीग नाडिया को इग्नोर कर चला जाता है। एना भी विलियम का वेट कर रही होती है। विलियम के घर पहुंचने के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और सारी हदें क्रॉस कर देते हैं। अगले दिन जय विलियम से मिलता है और उसे कहता है कि शायद माँ को एना पसंद नहीं आई क्योंकि वो अकेली रहती है। एना अपने परिवार के साथ नहीं रहती इसलिए उसे हमारी फैमिली में घुलने मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर विलियम से पूछता है कि आपको एना कैसी लगी तो विलियम कहता है मेरी पसंद नापसंद से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश हो तो सब खुश हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एना विलियम का मिलना जुलना बढ़ जाता है। अब दोनों एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो चुके होते हैं। एना विलियम को कुछ रूल्स बताती है कि जब मैं बुलाऊं तभी तुम आना, हम इस चार दीवारी के बाहर कुछ नहीं करेंगे, अब तुम्हारी ताकत मेरे हाथ में है, जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगे तब तक हम इस कमरे में सब कुछ कर सकते हैं। विलियम जब जाने लगता है तो उसकी नज़र एना की डायरी पर पड़ती है। उसे खोलने से पहले वहाँ एना आ जाती है और बताती है कि वो इसमें अपने ख्याल और हर वो मोमेंट को लिखती है जिसे वो भूलना नहीं चाहती और अपनी डायरी विलियम को पढ़ने नहीं देती है। फिर विलियम को अपने बेटे जय से पता चलता है कि वो एना के साथ छुट्टी मनाने पेरिस जा रहा है। उसी रात इनगिट के पिता एडवर्ड विलियम को मेडिकल एसोसिएशन की पार्टी में लेके जाते हैं। वहाँ उसे एना का मैसेज आता है जो उसे 6 बजे आने को कहती है। तब विलियम एडवर्ड को हॉस्पिटल में इमरजेंसी होने का बहाना बनाकर निकल जाता है। रास्ते में उसे एना का फिर से मैसेज आता है जिसमें वो आने के लिए मना कर देती है पर विलियम का मन नहीं मानता। वो उसके घर तक पहुँच जाता है। डोरबेल बचाने पर एक पैगी नाम की औरत दरवाजा खोलती है जो उसे कहती है कि मेरा घर है। विलियम ये सुन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तब एना कर बताती है कि पैगी उसकी पुरानी दोस्त है और ये घर उसका है। वैसे तो वो बाहर रहती है पर कभी कभी आती है। मैं बस यहाँ रह के इसकी देखभाल करती हूँ पर तुम टेंशन मत लो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। घर आने पर विलियम एना के बारे में सोचता है और इनगिट ड्रिंक कर रही होती है।
वो विलियम से पूछते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? इस पर विलियम कहता है नहीं। इंग्रिड से बात छुपाने के लिए कह देता है कि बस वो थोड़ा थका हुआ है। अगले दिन विलियम फिर से ऐना के घर जाता है, जहाँ फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर विलियम ऐना की डायरी पढ़ता है, जिसमें सिर्फ विलियम के बारे में लिखा होता है, जैक के बारे में नहीं। तब विलियम ऐना से पूछता है कि अगर जैक को हमारे बारे में पता चल गया तो? तब ऐना कहती है कि जैक मुझसे मेरे सीक्रेट के बारे में कभी नहीं पूछता। फिर विलियम पूछता है कि जैक तुम्हारे बारे में ऐसा क्या नहीं जानता? तब ऐना उसे बताती है कि उसका एक भाई था एस्टन, जिसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा था, उससे ऑब्सेस्ड हो गया। तब ऐना ने उसे मना कर दिया, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। ऐना के वहाँ से जाने के बाद विलियम उसकी डायरी से एक पन्ना फाड़ लेता है। एक दिन घर पर विलियम म्यूजिक सुन रहा होता है, जो उसकी बेटी शाली को अजीब लगता है कि उसके डैड कब से म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगे। ब्रेकफास्ट के समय इंग्रिड अपने बेटे को लेकर चिंता करती है कि कहीं उसका बेटा पेरिस में ऐना को प्रपोज ना कर दे, क्योंकि वो ऐना के बारे में कुछ नहीं जानते। इस पर विलियम कहता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, और लगता है हमारे बेटे से ज़्यादा तुम ऐना से ऑब्सेस्ड हो गई हो। इंग्रिड पूछती है क्या तुम नहीं हो? तो विलियम कहता है कि मैं ऐना के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। जय और ऐना की तरह इंग्रिड भी विलियम के साथ छुट्टी पर जाना चाहती है, पर विलियम कहता है उसे कॉन्फ्रेंस के लिए यूरोप जाना होगा। पर विलियम इंग्रिड को झूठ बोल के पेरिस आ जाता है। एक रेस्टोरेंट में बैठ के ऐना के डायरी वाले पन्ने को देख रहा होता है, तभी उस रेस्टोरेंट के सामने वाले होटल में ऐना और जय रुके होते हैं। इसका मतलब विलियम ऐना को फॉलो कर रहा है। विलियम ऐना को फ़ोन करता है, पर वो कॉल इग्नोर कर देती है। इसलिए विलियम होटल में कॉल कर ऐना से बात कराने को कहता है और उसे होटल के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। ऐना जय को झूठ बोल के बाहर आ जाती है और एक सुनसान जगह पर मिलती है। दोनों का हो जाने के बाद उसे वार्निंग देती है कि उसका पीछा ना करे, इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वापस रूम में पहुँचने पर जय उसे कहता है कि हम डेट पर चल रहे हैं ना, तो ऐना बहाना बनाती है कि उसके सिर में दर्द है और जाने से मना कर देती है। अगले दिन ऐना और जय होटल से चेकआउट कर लेते हैं। विलियम उन्हें सामने के रेस्टोरेंट में बैठ के देख रहा होता है। उन लोगों के जाने के बाद विलियम उसी कमरे में जाता है जहाँ ऐना ठहरी थी, और फिर उस कमरे की तकिया को सूंघते हुए ऐना को याद करता है। पेरिस से वापस आने के बाद ऐना अपने असली घर जाती है, जहाँ उसकी माँ रहती होती है। फिर रात में वो पैगी के साथ क्लब जाती है और अपनी दोस्त को विलियम के बारे में बताती है कि वो मेरे प्यार में पागल है और मेरा पीछा करते हुए पेरिस तक आ गया था, वो जय का पिता है। ये सुनकर पैगी ऐना को समझाती है कि तुम जय के साथ गलत कर रही हो, और फिर कभी ना कभी ये सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। पर ऐना नहीं समझती, गुस्साते हुए वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में ऐना को जय गुलाबों का गुलदस्ता भेजता है, जिसे देख बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती, पर फ़ोन कर उसे थैंक यू कहती है। तब जय उसे रात में अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। विलियम भी अपने घर वापस आ जाता है, वो इंग्रिड डिनर करने बैठते हैं। इंग्रिड को विलियम पर अब शक होने लगा था, इसलिए उससे उसके कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछती कि कैसा रहा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। ये पढ़कर विलियम इंग्रिड को इग्नोर करते हुए फ़ौरन बाहर जाता है और ऐना को फ़ोन करता है। इससे पहले विलियम कुछ बताता, ऐना कहती है कि अब हमें ये सब रोकना होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा जय मुझे प्रपोज करने वाला है, अब मुझे तुमसे परमिशन चाहिए कि मैं उसे हाँ कहूँ। विलियम भी अपने बेटे के खातिर हाँ बोलने को बोल देता है। ऐना खुश हो जाती है और कहती है अगर सब सही रहा तो हम हमेशा साथ रहेंगे। जय ऐना को प्रपोज कर देता है और ऐना भी खुश होकर हाँ कह देती है, और फिर जय ऐना को रिंग पहनाता है। अब तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी जय और ऐना की खुशी सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट में जाते हैं। सभी आपस में बात करते हैं और इंग्रिड जय की आंटी का वीडियो दिखाती है, तो विलियम वहाँ से उठ के वॉशरूम चला जाता है। उसके पीछे ऐना भी चली जाती है, ये चीज़ इंग्रिड नोटिस कर लेती है। दोनों बाथरूम में मिलते हैं, जहाँ ऐना विलियम से कहती है कि हमें नियम से चलना होगा वरना सब बिगड़ जाएगा, और हमारे बीच जो कुछ भी है मुझे पसंद है, मैं इसे खो नहीं सकती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी भी नहीं हो सकती। फिर विलियम उसे मैसेज दिखाता है कि कोई तो है जो हमारे बारे में जानता है। ऐना ये देख टेंशन में आ जाती है, पर विलियम से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर दोनों टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी आंखें भर रहे होते हैं। घर जाते हुए रास्ते में ऐना गाड़ी रुकवाती है और कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड से मिलना है और खुशखबरी देनी है कि वो और जय शादी करने वाले हैं। पैगी के यहाँ जाने के बाद ऐना पैगी पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो विलियम को धमकी भरे मैसेज भेज रही है, क्योंकि एक वही है जिसे ऐना और विलियम के बारे में पता होता है। पैगी ये सुन कहती है कि ऐसा तो होना ही था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, और मैं विलियम को मैसेज नहीं भेज रही हूँ, शायद किसी और को तुम दोनों के बारे में पता चल गया है। फिर ऐना पैगी को बताती कि जय ने उसे प्रपोज किया है, उसने हाँ कर दी है। जय नीचे इंतजार नहीं कर पाता, वो भी ऐना की दोस्त से मिलने ऊपर आ जाता है, पर ऐना उसे पैगी से ज़्यादा बात नहीं करने देती और जय को वहाँ से ले जाती है। जय को ऐना का ये बिहेव अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐना से कहता है कि तुम अपने किसी करीबी से मिलवाती क्यों नहीं, और अभी तक मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं मिला। तो ऐना कहती है कोई बात नहीं, उनसे तुम इंगेजमेंट में मिल लेना।
पैगी को ऐना की चिंता होती, इसलिए रात में कॉल कर उसका हालचाल लेती है, उसे समझाती है। पैगी पूछती है कि तुम आखिर हासिल क्या करना चाहती हो, तो ऐना कहती है वो सब संभाल लेगी। इस पर पैगी उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो उसका साथ हमेशा देगी और इंगेजमेंट पार्टी में भी आएगी। अगली सुबह विलियम और ऐना फिर से मिलते हैं। विलियम को लगता है कि उसके हॉस्पिटल में काम करने वाली नाडिया उनके बारे में पता चल गया है। ऐना कहती है कि फिर तो उसे भी पार्टी में बुलाना चाहिए। अब रात में ऐना और जैक की इंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है, जहां ऐना और विलियम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी विलियम की कलीग नाडिया आती है, जिससे ऐना बहाने से बात करती है, तो पता चलता है कि वो विलियम से ज़्यादा बात नहीं करती। ऐना समझ जाती है कि उसे उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं। ऐना ये बात विलियम को बताती है। विलियम ऐना को एक और मैसेज दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि वो इंग्रिड को पार्टी खत्म होने के बाद सब कुछ बता देगा। तभी ऐना की माँ एलिजाबेथ आ जाती है, जो पहले विलियम से मिलती है, फिर जैसे जैसे मिल वो इमोशनल हो जाती है और कहती है वो बिल्कुल उनके बेटे एस्ट्रन जैसा है। पार्टी में ऐना बोरियत फील करती है, इसलिए बाहर निकल के शैली के साथ स्मोक करती है। शैली थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कैली ने उसे छोड़ दिया था। फिर इनगिट पार्टी में स्पीच देती है और कहती है कि वो जय के लिए बहुत खुश है। विलियम से कहती है कि वो उस पर जासूसी कर रही थी। एक दिन जब वो ऑफिस में नहीं था, तब इनगिट ने उसके ऑफिस की तलाशी ली थी, जहाँ उसे कुछ पुरानी फोटोज़ मिली, जिन्हें देख उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। इनग्रिड बोलते हुए इमोशनल हो जाती है। फिर विलियम इनसिक्योर फील करता है और अपने हाथ से कांच का ग्लास तोड़ देता है। ऐसा करते हुए एलिजाबेथ देख लेती है। एलिजाबेथ उसके पास जाती है, उसका हाल पूछती है, साथ ही सावधान रहने को कहती है। फिर ऐना से पूछती है कि विलियम उसे ऐसे क्यों देख रहा था, ये सही नहीं है। पर ऐना इस टॉपिक पर ना तो कुछ बोलती है और ना ही सुनती है। रात में ऐना जैसे कहती है कि वो कभी किसी के इतने करीब नहीं गई, वो उससे सच्चा प्यार करती है। सबके सोने के बाद ऐना विलियम से मिलने बाहर आती है। विलियम खुश नहीं होता क्योंकि वो जिससे प्यार करता होता है वो उसके बेटे की से शादी करने जा रही है। विलियम ऐना से पूछता है कि आखिर उसके भाई ने सुसाइड क्यों किया। तब ऐना बताती है कि उसका भाई उसके बिस्तर तक आ गया था, जिसके लिए ऐना ने उसे मना कर दिया था और इस वजह से उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। ये सुन विलियम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर दोनों गार्डन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन शैली जब कपड़े ट्राई कर रही होती, तब वो ऐना को बताती कि शायद उसके डैड का अफेयर चल रहा है। ये सुन ऐना थोड़ा घबरा जाती है। शैली आगे बताती है कि अपने डैड की सच्चाई जानने के लिए उसे मैसेज कर रही थी, तो वो समझ गई है कि वो गलत है। तब ऐना पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तो शैली उसे उसकी डायरी का कागज़ दिखाती है और कहती है कि डैड जब कॉन्फ्रेंस से लौटे तब मुझे ये उनके कोर्ट में मिला। तब ऐना बिना वक्त गवाए कबूल कर लेती है वो लड़की मैं ही हूँ, ये हैंडराइटिंग मेरी है। फिर बात को ट्विस्ट करते हुए बोलती कि मैंने ये सब जैक लिए लिखा था, पर गलती से मुझसे ये पन्ना खो गया था। शैली उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। फिर ऐना विलियम को वही पन्ना दिखाकर कहती है कि तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। विलियम कुछ नहीं बोलता, वो देखता है कि उसने डायरी में आगे कुछ नहीं लिखा, इसलिए अपने साथ आने को कहता है। बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए। दूसरी तरफ जय पैगी से मिलता है और कहता है कि वो ऐना के लिए एक स्पीच लिखना चाहता है, इसलिए उसके बारे में जानना चाहता है। वो तो अपने बारे में कुछ शेयर ही नहीं करती, लेकिन पैगी जय को कुछ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि ऐना मामूली लड़की नहीं है, जब तुम ठान चुके हो उसके साथ रहने का तो एक ही चीज़ बार बार मत पूछना। घर पर जब जय ऐना से कुछ पूछता है तो ऐना उसका सीधा जवाब नहीं देती, जिससे जय को बुरा लगता है, पर वो जाहिर नहीं होने देता। रात में जय अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करता है, जहां उसके डैड भी आते हैं, जिनसे वो खुल के बात करता है कि ऐना मुझे अपनी सीक्रेट कभी नहीं बताती, वो हमेशा कुछ छुपाती है। तो विलियम अपने बेटे से कहता है कि शादी से पहले सभी को डर लगता है, अब तुम्हें इन सवालों से प्यार करना सीख लेना चाहिए। जय पूछता है कि आपने ये कहाँ सुना, तो विलियम कहता है शायद मैंने किसी पोएम में सुना होगा। जय को अपने डैड पर शक हो जाता है, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विलियम सीधे ऐना के घर जाता है, जहाँ जय भी उसका पीछा करते हुए ऐना के घर तक पहुँच जाता है। अब जय समझ गया था कि उसके डैड और ऐना का अफेयर चल रहा है। वो रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन करता है, पर उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर जय ऐना के रूम के दरवाजे पर जाता है। बाहर उन दोनों की आवाज़ें आ रही होती हैं। उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जय दरवाज़ा खोल देता है। दोनों को एक दूसरे के साथ देख जय को सदमा लग जाता है और दो कदम पीछे जाने से जय नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। विलियम फौरन नग्न अवस्था में नीचे जाता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। ऐना अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। पुलिस जय की बॉडी को ले जाती है। अगली सुबह विलियम जब अपने घर आता है तो शैली बहुत गुस्सा होती है। वहीं इनगिट का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इनगिट कहती है कि मुझे पहले से ही शक था, आखिर तुम हमारे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, उसके साथ तुम भी क्यों नहीं मर गए। जय के फ्यूनरल में एडवर्ड विलियम से कहता है कि जय हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ जो नहीं बना। जय की प्रेयर में एलिजाबेथ भी आती है और विलियम से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो,
क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब विलियम पूछता है कि ऐना कहाँ है। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे भी नहीं पता, यही तो उसकी गंदी आदत है, वो परिवारों को बर्बाद कर भाग जाती है। बाहर विलियम ऐना को कॉल करने की कोशिश करता है, तब इनगिट वहाँ आकर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो। अब इनगिट समझ गई है कि विलियम के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, इसलिए अब वो उसे छोड़ देगी। विलियम अब अकेला पड़ जाता है। शाम होते होते ऐना से ना बात होने पर वो पागल सा हो जाता है, इसलिए पैगी के ऑफिस जाकर ऐना के बारे में पूछता है, पर पैगी उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हम ऐना को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ रह रही होती है। कुछ दिनों बाद वो अपने काम पर वापस जाना चाहती होती है, तो एलिजाबेथ अपनी बेटी की फिक्र करती है, साथ ही कहती है उसकी वजह से बेचारे लड़कों की जान चली गई। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ को पता था कि एस्टन यानी कि ऐना का भाई उससे प्यार करता है, पर फिर भी एलिजाबेथ ने कुछ नहीं कहा। ऐना ये सच्चाई जान अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि जब उन्हें पता था तो एस्टन को बिस्तर पर आने तक क्यों नहीं रोका। ऐना अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए घर छोड़ के चली जाती है। फिर ऐना हनीमून के लिए अकेले ही निकल जाती है। ऐना जब पूल में नहा रही होती है तो एक आदमी उसे घूर रहा होता है। ऐना पानी से निकल सीधे उस आदमी के सामने जाके बैठ जाती है, तभी उस आदमी की वाइफ भी आ जाती है। असल में दोनों हनीमून के लिए आए होते हैं। ऐना से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने पर ऐना कहती है कि उसका मंगेतर मर गया, उसके डैड के साथ उसका अफेयर चल रहा था। ये बात मंगेतर को पता चल गई, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गया। ऐना की ट्रेजेडी भरी स्टोरी सुन उस कपल का मुंह खुला खुला रह जाता है। शाम को ऐना समुद्र किनारे डांस करने जाती है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर ऐना उसे छोड़कर भाग जाती है। जब वो होटल में लौटती है तो विलियम उसका इंतजार कर रहा होता है। जय के मरने का असर अब ऐना पर होने लगता है, वो बिल्कुल टूट जाती है, इसलिए विलियम उसे संभालता है। सुबह खाना खाने के टेबल पर दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं कि जो कुछ भी हो वो उसे भुला नहीं पाएंगे। ऐना देखती है कि विलियम को जैक के जाने का कोई पछतावा नहीं, वो अभी भी सिर्फ ऐना के साथ रहना चाहता होता है। ऐना देखती है कि विलियम को जैक के जाने का कोई पछतावा नहीं है, वो अभी भी सिर्फ उसे चाहता है और उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता होता है। वह ऐना वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि अब कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। ऐना वापस लंदन आ जाती है और फ़ोन कर पैगी को उसी अपार्टमेंट में मिलने को कहती है। पैगी अपनी दोस्त को संभालती है और फिर दोनों उसे बेच के चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विलियम ने उस अपार्टमेंट को खरीद लिया है। उसे फायरप्लेस में ऐना की डायरी मिलती है, जिसमें वो लिखती है कि वो ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहती है और विलियम को भी मूव ऑन करने को कहती है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि ऐना थेरेपी ले रही है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना उसके लिए बहुत टफ था। वो थेरेपिस्ट से कहती है कि सॉरी, मैं यहाँ के रूल्स नहीं जानती हूँ। तो थेरेपिस्ट कहता है कि अगर तुम्हें रूल्स से मदद मिलेगी तो इट्स ओके। ये सुन उसे कुछ याद आता है और कहती है कि इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सीन बिल्कुल एपिसोड 1 के उस सीन की तरह है जब ऐना विलियम को रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ रूल्स बता रही थी। डॉक्टर ऐना के एक्सप्रेशन को देखते हुए ये लगता है कि अब ऐना इस डॉक्टर की ज़िंदगी में तूफान लाने वाली है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।